एक क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रिया और मोनिका पार्टनर्स हैं, उसका अनुपात दिया है 3:2 और ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे कह रहा है कि देनदारों से 5% छूट पर वसूली हुई है, स्टॉक से इतना मिला है, संपत्ति से इतना मिला है, वसूली भी इतना है, लेनदारों को पूरा पेमेंट कर दिया गया, आवश्यक बही खाते बनाइए। बस सेम क्वेश्चन है 15 जैसा है। आवश्यक का मतलब होता है पहला खाता बनाएंगे हम रियल एस्टेट अकाउंट, दूसरा बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनाएंगे हम कैशिया बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है रियल एस्टेट अकाउंट। इसमें हम क्या करते हैं, डीआर में एसेट्स लिखते हैं, जो भी संपत्ति है बेचने वाला उसको यहाँ पर लिखेंगे हम। क्या सब संपत्ति आइए देखते हैं। स्टॉक है 7500, रेटर्स है 21500 और ये अस्थाई संपत्ति है 36500। स्टॉक, डेटर्स, अस्थाई संपत्ति, स्टॉक 7500, डेटर्स 21500 और ये फिक्स एसेट्स 36500। डेटर्स में लगा है प्रोविजन। ये क्या होता है, प्रोविजन का मतलब है कि आपने जो उधार माल बेचा है ना, आपको शक हो रहा है उसमें से 500 रुपये आपका डूब सकता है, डूबा नहीं है सिर्फ आपको शक हो रहा है, मिल भी सकता है। कितना शक हो रहा है आपको, 500। इस 500 का हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे हम CR वाले भाग में बाय प्रोविजन, कितना 500। इसके अलावा जो भी लेनदार है उसको लिखेंगे हम क्रेडिटर्स, लेनदार दिया हुआ है कितना 48000। अब क्या करना है, संपत्ति को बेचना है, रुपया मिलेगा तो बाय बैंक करेंगे हम। स्टॉक है, डेटर्स है और ये फिक्स एसेट्स है, किससे क्या मिला वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। देनदारों से 5% छूट पर वसूली हुई है। डेटर्स कितना है, डेटर्स देखिए, डेटर्स है कितना 21500 है, इसे माइनस कर दो 5%, तो 21500 का 5% कितना होता है, 00 कैंसिल 25 और ये 527 और ये 5 × 10 ये हो गया 1075, माइनस कर दो 425, ये हो गया 20425। तो आपको जो है डेटर से मिला है 20425, स्टॉक से मिला है 7000, अस्थाई संपत्ति से आपको मिला है कितना 42000, ये हो गया 42 × 7 = 9000, 4 × 6 = 6900 425, 6900 425। संपत्ति है कितने का, 5 × 10 = 5 = 15, हासिल 1 × 7 = 8 = 9 = 6 = 15, हासिल 1 × 3 = 5 = 6। संपत्ति है 65500 का, आपको प्राप्त हो रहा है 69425, इसका मतलब अधिक प्राप्त हो गया। खर्च वसूली भी है 1500 रुपया, खर्चा कितना हुआ है बैंक एक्सपेंसेज 1500 और फिर लेनदार के बारे में कहा गया है कि पूरा पेमेंट कर दो क्रेडिटर्स, लेनदार है कितने का 48000 का है, पूरा पेमेंट कर दो और तो कुछ नहीं है, आइए बैलेंस कर देते हैं, प्रॉफिट निकल जाएगा। ये 5 × 4 = 925, 8 × 9 = 17, हासिल 1 × 6 = 10 = 11, 117925, 117925, 25 × 25, 5 × 5 = 10, 9 = 19, हासिल 1 × 5 = 6 = 7 = 8 = 15, 2 = 17, हासिल 1 × 6 = 10 = 11, 2925 ये प्रॉफिट निकल गया। इसको क्या करेंगे, अनुपात दिया है 3:2 से बांट दो 2925, अनुपात दिया है सुप्रिया है और मोनिका है, सुप्रिया 3/5 × 2925, 25 4 × 5 = 40, 25 5 × 3 = 15, 8 × 3 = 24 = 25, हासिल 2 × 5 = 15 = 2 = 1755, मोनिका का 2/5 × 2925 585, 5 × 10 = 8 × 9 = 16 = 17, हासिल 1 × 5 = 10 = 11। आगे आपको तैयार कर, आगे रिजर्व फंड भी दिया है, रिजर्व फंड 13500, इसको भी बांट लो सुप्रिया और मोनिका, 3/5 × 13500, 2/5 × 13500, 5 × 10 = 5735, 2700 × 3 = 2781 होता है, 2754 होता है, ठीक है। आगे आपको तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
सुप्रिया मोनिका, सुप्रिया और मोनिका, एस एम कर देते हैं, सुप्रिया मोनिका, सी आर टी आर भी लिखो। पूंजी पहले से है तो बाय बैलेंस बी डी, पूंजी दिया हुआ है 32,500 11,500 रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ है तो सी आर में बाय रियलाइजेशन कितना कितना 1755 और ये 1170। रिजर्व फंड दिया है, लाभ होता है सीआर में आएगा 8,100 5,400 तो कुछ है नहीं, जोड़ के इसको पेमेंट कर दो, जो आएगा पेमेंट कर दो टू बैंक कितना, तो 5 का 5 ये भी 5 1 7 8 5 13 हासिल 1 2 1 3 1 4 8 12 हासिल 3 4 42,355 कितना दिया हुआ है 42,355 ठीक है 42,355 पेमेंट कर दो सुप्रिया को। और मोनिका का होता है 70,516,410 हासिल 1 2 3 5 8 18,070 ठीक है 18,070 और लास्ट में आपको तैयार करना है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट रुपया पहले से है तो टू बैलेंस बी डी करते हैं, कितना है बैंक में 40,500 है, संपत्ति को बेचने से रुपया मिलेगा तो रुपया आएगा डी आर में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 69,425 लेनदार को पेमेंट किया है रुपया जाएगा सी आर में, खर्चा हुआ है लेनदार कितना था, लेनदार है 48,000 लेनदार है 48,000 खर्चा हुआ है 1500 सुप्रिया को पेमेंट किया तो बाय एस कैपिटल, मोनिका को पेमेंट किया तो बाय एम कैपिटल, सुप्रिया का है 42,355 इसका 18,070 सबको जोड़ दो ये आपस में बराबर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।